क्या छोड़ा है। हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो को लाइक एंड तक बने रहना। गाइस आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली क्योंकि हम आज जाने वाले हैं राजवाड़ घूमने के लिए, वो भी हम दोनों अखिलेश्वर में। हाँ तो गाइज हम दोनों निकल चुके हैं अभी राजवाड़ा के लिए दोनों, और अभी हम लोग देख रहे हैं बस कि बस कहाँ मिली, क्योंकि हम लोग बस से ही जाएंगे। बस जैसे ही मिलती है हम वैसे ही बस में बैठेंगे राजवाड़ा के लिए। हो सकती है बस जा रही हो राजवाड़ा, चलें फिर। अरे ये फार हाँ तो गाइस हम बस में बैठ चुके हैं। बस में बैठने के बाद मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, देख सकते हो आप लोग कितनी भीड़ है यहाँ पर। देखो कुछ देर तक तो हम लोगों को सीट नहीं मिली, लेकिन आगे चलकर हम लोगों को सीट मिल जाती है, तो आगे चलकर हम लोग बैठ जाते हैं। देख सकते हैं आप लोग कितनी भीड़ है। वैसे राजवाड़ा भवरकुआ से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर है, समथिंग समथिंग 2 या 4 किलोमीटर दूर है, 2 से 3 या 4 किलोमीटर दूर। आधे घंटे में हम लोग पहुंच जाते हैं, और ये लोग हम पहुंच भी गए, और अब हम लोग उतर के आपको व्यू दिखाते हैं राजवाड़ा का। तो लोग हम बस से उतर गए, और अजीतगंज से बोला हम लोगों ने कि बोलो चुमा केसरी। और आप लोग यहाँ देख सकते हो हम लोग राजवाड़ा में आ गए हैं, तो भाई बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर। अभी जोवा केसरी वाले भैया लोग चले, तीनों खिलाड़ी, प्लस अब हम लोग भी घूमते हैं राजवाड़ा में, देखते हैं क्या कैसा क्या है। आप लोग भी जरूर आइए। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? थोड़ा घूमने के बाद हम गए एक मोबाइल की शॉप पर, वहां पर हमने एक मोबाइल देखा, तो अभी हम आपको बताएंगे कौन सा मोबाइल हमने देखा। ये हम दुकान में एंटर कर रहे हैं, इनसे बोला भैया एक छोटा वाला फोन दिखा दो, तो इन्हें देखो एक छोटा वाला फोन देखा है जो कि कैचोड़ा का है, सबसे छोटा मिनी फोन, यानी कि आप इसको ब्लूटूथ फोन भी बोल सकते हो। इसमें एक पीछे एक सिस्टम दिया रखा है, दिया है कि जिससे आप मतलब एक वो आता है एंटीना इसमें लगाने का, बॉक्स के अंदर ही है, पीछे से लगा दोगे तो कान में फंस जाएगा। कितने का आता है? सही बात, ये गारंटी है। तो फाइनली गाइज हमें पता नहीं था इसको कैसे यूज करते हैं ब्लूटूथ के जरिए, तो उन भैया ने लगा के दिखाया। ये कह देखो फ़ोन के अंदर ये सॉकेट लग जाता है, उसको ऊपर लगा ये सॉकेट, आप कॉलिंग करते करते ब्लूटूथ भी बना सकते हो। इसमें एक सिम कार्ड डलेगा और एक, और इसमें कान में फंसा सकते हो, और आपको मतलब पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी बात होती रहेगी। ओके, फाइनली 1000 रुपये का हमने इसको कंफर्म किया, परचेस कर लिया 1000 रुपये में। तो फिर हम फ़ोन परचेस करने के बाद फिर हम यहाँ से निकल रहे हैं। गाइस इंदौर में एक फेमस है मार्केट जिसका नाम राजवाड़ा, राजवाड़ा के अंदर एक और,
वो फेमस है, मतलब नावल्टी मार्केट। नावल्टी मार्केट का आपने नाम कभी नहीं सुना होगा। तो वहाँ पे एक्सेसरीज होती है मोबाइल शॉप की, लैपटॉप या मतलब इलेक्ट्रिक जो भी चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा मोबाइल की, मोबाइल शॉप सबसे ज़्यादा है वहाँ पे। तो हम लोगों ने ये फ़ोन ना वहीं से परचेज़ किया है। कभी आओ इंदौर तो नावल्टी ज़रूर आना, देख लेना गाइज। उसके बाद हम गए एक मंदिर जो कि भोलेनाथ का मंदिर निकला। हम लोग को पता नहीं था यहाँ पर एक मंदिर है, लेकिन पुराने टाइप का एक मतलब एक महल जैसा मतलब छोटा सा एक मंदिर है, मतलब मंदिर। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मंदिर की, बहुत ही शानदार एक मंदिर है यहाँ पर पास में। अब देखते हैं कि मंदिर ही है और क्या और कुछ, देख के तो लग रहा है मंदिर, लेकिन देखते हैं अभी क्या है, मंदिर है और कुछ। तो अभी हम जाते हैं, देखते हैं मंदिर है कि और कुछ। गाइस आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर और प्यारा और मतलब बहुत ही मस्त मंदिर, बहुत ही बड़ा है। दूर से लग रहा था कि यहाँ छोटा सा होगा, लेकिन पास जाके देखा तो बहुत ही भयंकर अच्छे तरीके से, मतलब बहुत ही सुंदर मंदिर बना है, बहुत ही खतरनाक भी बोल सकते, बहुत ही अच्छा, बहुत बड़ा। अभी अंदर जाके हम लोगों को पता चला कि हम भोलेनाथ का मंदिर है। तो भाई मुझे तो यहाँ आके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, सीन भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं, व्यू भी देखो कितना मस्त लग रहा है यहाँ का। अभी हम लोग मंदिर के अंदर एंटर होते हैं और आपको दिखाते हैं। तब तक वीडियो को, तब तक इस वीडियो को एक लाइक कर दो, देख सकते हो। जय हो भोलेनाथ की। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, अगर आपको मंदिर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। यार गाइस आप लोग देख सकते हो यार, इतना भयंकर मंदिर है, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद। देख सकते हो हम लोग मंदिर के ऊपर है, ऊपर से वीडियो शूट कर रहे हैं, थोड़ा ऊंचाई पर है लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने। शिव जी का मंदिर है। अच्छा यहाँ पे एक और डोर है लेकिन वो लॉक है, अभी ताला लगा हुआ है यहाँ पे। तो गाइज हम लोगों ने सोचा कि हम मंदिर आ ही गए हैं तो थोड़ी बहुत फोटोशूट भी कर ही लेते हैं। तो हम लोगों ने फोटोशूट कर रहे हैं। और गाइज अगर आप लोगों को कभी भी टाइम मिले राजबाड़ा आने में, मतलब तो कभी भी आप फ्यूचर में राजबाड़ा आओ तो टाइम निकाल के इस मंदिर में ज़रूर आना, कि बहुत ही प्यारा मंदिर, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके। और राजबाड़ा में वैसे भी काफ़ी सारे बहुत सारे मंदिर हैं। गाइस तो आप लोग देख सकते हो कितना ही खतरनाक मंदिर है, खतरनाक तो बहुत ही शानदार मंदिर है, बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे आके। शिव जी का बहुत ही भयंकर मंदिर देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। इसी बात पर एक वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना अगर आपको। तो देखा गाइज आप लोगों ने कितना अच्छा मंदिर है। तो यार अब मंदिर घूमने के बाद, दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं राजबाड़ा जो मार्केटिंग करने के लिए। ठीक है तो बने रहो वीडियो में। साथ ही साथ हमने किए कुछ फोटोशूट। तो फिर फोटोशूट करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं अपनी मंदिर की ओर, क्योंकि हम लोग आए थे मार्केट घूमने के लिए, तो मार्केट घूम लें। गाइज उसके बाद हम घुस गए एक जूते की दुकान पर। वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कुछ कोई अगर जूता पसंद आएगा तो हम लोग खरीदेंगे, लेकिन मेरे साथ में जो था उसको खरीदना था, मेरे को नहीं खरीदना था, तो उसको पसंद ही नहीं आया। साथ ही साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करो गाइज यार।